सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अब मुरादाबाद के बेसिक स्कूल भी काम करते हुए दिखाई देंगे। इसी विषय को लेकर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क के प्राथमिक विद्यालय में 5 दिवसीय टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी को ये बातें सिखाई जा रही हैं कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है और बच्चों को नई तकनीक के साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए सभी को काम करना है। बेसिक शिक्षा विभाग का यह कहना है कि पूरे देश में यह प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत मुरादाबाद के सभी ब्लॉकों में 5 दिन तक ये शिविर चलाया जाएगा। निष्ठा प्रशिक्षण का द्वितीय बैच हुआ प्रारंभ। समग्र शिक्षा अभियान और NCERT की महत्वाकांक्षी योजना एकीकृत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय बैच शुरुआत आज नगर क्षेत्र मुरादाबाद में हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी मीना मनराल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। इसके उपरांत प्रशिक्षण का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। इस दौरान जिला समन्वयक प्रशिक्षण देवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस सर्वप्रथम प्रतिभागियों का पंजीकरण कर राहुल शर्मा के द्वारा उन्हें निष्ठा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उनसे प्री टेस्ट कराया गया तथा मॉड्यूल के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें पाठ्यचर्या, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, शास्त्र तथा सीखने के प्रतिफल और कला समेकित शिक्षा पर गतिविधि आधारित चर्चा हुई। निष्ठा भारत सरकार और NCERT के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये एक साथ पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से पूरे देश में लगभग 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। जनपद मुरादाबाद में नगर क्षेत्र मुरादाबाद ऐसा पहला ब्लॉक है जहां निष्ठा प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। नगर क्षेत्र मुरादाबाद में 228 शिक्षकों को 5 बैचों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक बैच 5 दिन का रहेगा। प्रशिक्षण की निगरानी ऑनलाइन कैमरे के माध्यम से की जा रही है। वो भी एकीकृत से, मतलब जो आप यहाँ चैप्टर पढ़ोगे वही कर्नाटक में पढ़ेगा, वही आंध्र प्रदेश में पढ़ेगा, वही बिहार का टीचर पढ़ेगा, वही यूपी का टीचर पढ़ेगा। ये इसकी गंभीरता आप इसी बात से मान सकते हैं। पूर्वता क्या है, इसके साथ साथ निष्ठा की वेबसाइट, प्रशिक्षण मॉड्यूल, ट्रायलर बुकलेट और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च है। आप इसको मोबाइल ऐप से भी ले सकते हैं। आप निष्ठा प्ले स्टोर में जाकर निष्ठा लिखोगे तो निष्ठा का ऐप आ जाएगा, आप उसको देखो, नई नई चीजें आपको मिलेंगी। NCSS दीपा करके इसका फेसबुक पेज भी है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत बहुत नए नवाचार, नई एक्टिविटी जो पूरे देश में हो रही है यूपी के अलावा, वो सब चीज की जानकारी मिलेगी। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर शिक्षा अधिकारी मीना मनराल, डायट के प्रवक्ता अभिषेक भारद्वाज, जिला समन्वयक देवेंद्र सिंह, कार्यक्रम प्रभारी राहुल शर्मा, मास्टर ट्रेनर्स व्योम गुप्ता, आशीष कुमार व विनीत कुमार आदि मौजूद रहे। द्वारा कराया जा रहा ये निष्ठा प्रशिक्षण है, जिसमें कि जो हमारे सेवारत अध्यापक हैं उनके लिए प्रशिक्षण है। ये पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। NCERT के द्वारा इसको डेवलप, इसके मॉड्यूल डेवलप किए गए हैं और इन्हीं मॉड्यूल्स के आधार पर ये इसमें 42 लाख अध्यापकों को वर्तमान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से इनकी जहाँ शिक्षण प्रशिक्षण की योग्यता बढ़ेगी, वहीं इनकी मैनेजमेंट की पावर भी इसमें बढ़ेगी। इसे अध्यापक नई नई चीज़ों को सीखेंगे और बच्चों के साथ किस प्रकार से एक चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से नई नई चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ICT के उपयोग से हम किस प्रकार से शिक्षण कार्य कर सकते हैं, इस तरह नई नई विधाएं ये सीखेंगे, जिससे कि वो जो वर्तमान में प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स हैं उनके अध्यापकों की तरह इनकी भी योग्यता विकसित हो सके। कब से लेकर कब तक चलेगा और कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा मुरादाबाद में? मुरादाबाद में ये पूरे 9 विकास खंडों में ये संचालित होगा और इसमें 6,000 से अधिक अध्यापक मुरादाबाद के, जो कि अध्यापक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं और अनुदेशक भी हैं, सभी ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और ये 50-50 के बैच पे ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के जो विकास खंड हैं उनमें ये एक साथ 3-3 बैच संचालित किए जाएंगे और नगर क्षेत्र में एक बैच संचालित किया जाएगा, क्योंकि नगर क्षेत्र में विद्यालय कम है।